हमारे सनातन धर्म में मां काली की विशेष महत्ता है। इनके प्रचंड स्वरूप के ध्यान मात्र से ही शरीर के रोम रोम में सिहरन से हो उठती है। मां काली की पूजा अर्चना तीक्ष्ण फल देती है, पर उनकी साधना में कई कठिन नियमों का पालन करना जरूरी है। नियम पूर्वक साधना नहीं किए जाने पर दुष्प्रभाव की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए प्रायः दाम्पत्य जीवन जी कर रहे साधकों को माता काली की सामान्य पूजा अर्चना करने की ही सलाह दी जाती है, जो दाम्पत्य का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 10 महाविद्याओं में महाकाली साधना सबसे प्रभावशाली मानी गई है, जो कि तुरंत परिणाम देती है। महाकाली साधना करने वालों को अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। मां काली मूलतः शमशान की देवी हैं। मां काली ने ही सती और पार्वती के रूप में जन्म लिया था। सती रूप में उन्होंने शिव जी को 10 महाविद्याओं के माध्यम से अपने 10 जन्मों की झलक दिखाई थी। माता काली की उपासना के लिए किसी योग्य गुरु का मार्गदर्शन लेना बहुत जरूरी है। मां काली सबसे जागृत देवी हैं। काली का अर्थ है काल अर्थात समय। मां काली के मुख्यतः 4 रूप हैं: दक्षिणा काली, शमशान काली, मातृ काली और महाकाली। काली रूप में माता ने महिषासुर, चंडमुंड, धूम्राक्ष, रक्तबीज, शुंभ निशुंभ आदि राक्षसों का वध किया। त्रिशूल और तलवार माता काली के शस्त्र हैं। उनकी महिमा कालिका पुराण में उल्लेखित है। उनका प्रिय वार शुक्रवार है और प्रिय तिथि अमावस्या है। मां काली का सरल मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम क्रीम परमेश्वरी कालिके स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम परमेश्वरी कालिके स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम परमेश्वरी कालिके स्वाहा। महाकाली की प्रसन्नता के लिए उनकी फोटो या प्रतिमा के समक्ष मंत्र का जाप करना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा से मां काली की उपासना करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, ऐसे ही अन्य जानकारी और कथाओं के लिए आप हमारे चैनल कर्मयोनि को सब्सक्राइब जरूर कर लें। माता रानी आप सभी पर कृपा ऐसे ही बनाए रखे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।